हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद केवल और केवल ये रहा है कि आपको भी अगर इस वीडियो में आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, वो फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि किस तरीके से आप भी अपने घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना सीख सकता हो। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, इस दुनिया में लैपटॉप और कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा सिस्टम, जिसे हम लोग आम भाषा में सिस्टम कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा विख्यात तरीके से बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे का नॉलेज का लेवल का जरूरत नहीं है। हम लोग घर बैठे ही बेसिकली तरीके से हम लोग अपने सिस्टम को इस वीडियो को आप लोग बनाने का मेरा सिंपल सा ये है कि अगर आप लोग सब सिस्टम के बारे में सब कुछ बेसिक नॉलेज जानते हो, तो इस वीडियो को देखने का आपको कोई मतलब नहीं बनता है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए या उन आदमी के लिए जो पर्सन आगे बढ़ गया है, लेकिन वो अपने लैपटॉप सीखना चाहता है अपने उम्र में, या फिर शौक के लिए अपने स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को या फिर लैपटॉप सीखना चाहता है, तो वो उस इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये कुछ या 10 से 15 या 20 मिनट तक ये वीडियो जाएगा। मेरे को पता नहीं क्या क्या मैं सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे चार्ट्स बना लिए हैं जिससे आप लोग भी एक अपना डेवलप कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं बता दूं तो एक मैं ओपन से लेकर, मतलब लैपटॉप को ओपन करने से लेकर लैपटॉप को बंद करने तक जितना भी प्रोसेस एक नॉर्मल लाइफ में होता है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर दूंगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको कवर कर देता हूँ। लैपटॉप मतलब आप लोग जब ओपन करते हो तो बहुत सारा प्रिकॉशन रखना पड़ता है, बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है। तो सिस्टम और लैपटॉप और कंप्यूटर, ये तीनों चीज़ एक सेम चीज़ है। कंप्यूटर में उसे कहते हैं जिसमें हम लोग एक डेस्कटॉप, एक मॉनिटर, एक सीपीयू लगाकर हम लोग एक कंप्लीट सेटअप रेडी करते हैं, कीबोर्ड विथ माउस, उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन एक लैपटॉप किसे कहते हैं? लैपटॉप एक हैंडक्राफ्ट यानी कि आप लोग एक सिस्टम उसे कहते हैं जिसे आप लोग कहीं पर भी ले जा सकते हो। जस्ट लाइक फोल्डेबल एक टैबलेट होता है, कुछ टैबलेट बिगर टैबलेट को हम लोग लैपटॉप कहते हैं, लेकिन उसमें एक विंडोज़ फंक्शन होता है, टैबलेट में हम लोग का एंड्रॉयड फंक्शन होता है। तो बहुत सारे नॉलेज जो कि मैं आपको शेयर करने वाला हूं, तो आप लोग एक स्टार्टिंग अगर आदमी हो, अपने स्टार्टिंग करियर में आप लोग लैपटॉप सीखना चाहते हो, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, सीधा अपने कंप्यूटर का डिस्प्ले में ले जाऊंगा आपको। बेसिकली मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से बस वीडियो को हिंदी में समझ लेना है, और आपको मैं जो भाषा का यूज़ करूंगा आप लोग वो थोड़ा सा समझने का कष्ट करिएगा। अगर आप लोग मेरे को थोड़ा सा गलती रहेगा तो आप मैं सुधार लूंगा, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, इसमें गलती तो मैं कहीं भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक बेसिक से और एक एडवांस लेवल तक मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलती करके दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग बेसिक फिकर रहना। इस वीडियो के बाद आप लोग कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आराम से सीख सकते हो, बिंदास सीख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर कोर्स के लिए। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपना कोर्स में। तो इस कोर्स को, लैपटॉप का सीखने का कोर्स को, आप लोग अगर बेसिक से भी सीखना चाहते हो ना, तो आप लोग बेसिक सीख सकते हो। अगर आप एक 50-60 साल के भी एक आदमी हो ना, तो भी आप इस लैपटॉप को चलाने के लिए बेसिक एकदम आराम से सीख सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं जो कि मैं आज आपके वीडियो में कवर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें नॉलेज दूंगा कि किस तरीके से कौन सा चीज़ को क्या बोलते हैं, क्योंकि गाड़ी जब आप लोग चलाते हो तो आप लोग ये जब सीखते हो ना कि कौन सा चीज़ को क्लच, बेयर, गियर और एक्सीलेटर बोलते हैं और उसे कैसे यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली ये चीज़ भी यहाँ पे भी लागू होता है। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो ये कोर्स हो गया स्टूडियो पे, आर्यन का स्टूडियो। तो आगे आपको मैं समझा दूँ कि किस तरीके से आपको सब्सक्राइब करना है, तो वो तो सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं आपको सिखा नहीं सकता, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सिस्टम जब आप लोग स्टार्ट करते हो तो आप लोग देखते हो कि इस तरीके से हमारे पास सब कुछ रहता है। तो बेसिकली ये क्या है? तो बेसिकली ये लैपटॉप का बेसमेंट का जो नीचे का जो चीज़ आप देख रहे हो, ये क्या है? ये जो बटन इतने सारे, ये क्या है? तो बटन आपको बता दूँ, ये कीबोर्ड कहते हैं इसे। आप लोग पुराने ज़माने में आप लोग जब लैपटॉप देखते होगे, तो मतलब सॉरी कंप्यूटर देखते होगे, तो आपको मिलता होगा एक अलग से कीबोर्ड। तो उस कीबोर्ड को यहाँ पे अटैच कर दिया गया है, उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं कीबोर्ड, जो कि लैपटॉप का होता है। तो लैपटॉप में बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत सारे थिंग्स मिलता हूँ। तो सबसे पहले हमारा कोर्स यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप लोग लैपटॉप को ऑन कैसे करते हो। तो बेसिकली मेरा ये HP का लैपटॉप है, तो हर चीज़ का एक अलग अलग कंपनी होता है। तो आप लोग अलग अलग कंपनियों से, मतलब अलग अलग हर जगह का एक पावर ऑन बटन और पावर डाउन बटन यानी कि शट डाउन का बटन होता है, जो कि कभी आपको इस कॉर्नर पे मिल सकता है, जो कि कभी आपको इस कॉर्नर पे मिल सकता है। तो अगर आप लोग किसी का भी लैपटॉप ले हुए, तो आपको मैं बता दूं कि उसका कॉर्नर पे बटन, अगर वो HP का लैपटॉप होगा तो इस तरफ होगा, अगर वो डेल या कोई भी अलग कंपनी का होगा तो इस तरफ होगा, कईयों का इस तरफ भी हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे बुड़बक नहीं बन सकते हो कि मेरे को लैपटॉप के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। आप लोग यहाँ से भी सीख सकते हो कि क्या आपको यहाँ पे होने वाला है। तो बेसिकली जो आप ये बटन देख रहे हो, इसको हम लोग एक ही बार दबाएंगे ना, तो ये लैपटॉप ऑन हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत सारा बोरिंग फील कर रहे हो कि क्या भाई तकने से ये बकवास कर रहे हैं, तो नहीं, ये सब एक बेसिक पार्ट है हम लोग आगे जानने के लिए। तो लैपटॉप आपको कुछ इस तरीके से, आप लोग जो यहाँ पर देख रहे हो, ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो कुछ इस तरीके से ये स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आपको मैं सिखाने के लिए मैं डिस्प्ले को भी यूज़ करने वाला हूँ और कीबोर्ड को भी यूज़ करने वाला हूँ। तो एक बार में दोनों चीज़ को यूज़ करने के लिए मेरे को थोड़ा सा कैमरा को मैं सेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग लैपटॉप को बेसिकली सब कुछ सीखना। तो ये लैपटॉप है, तो अब हमको बताइए कि आपको ये लैपटॉप दे दिया जाएगा, आप लोग लैपटॉप को ऑन कर लिया, उसके बाद आप लोग आगे क्या करोगे?
तो आगे का इस प्रोसेस अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग जो भी काम करना इससे काम करना, ये इसे माउस कहा जाता है जो कि आप लोग जानते होंगे। तो ये जो माउस है उसको आप लोग यहाँ से राइट क्लिक करोगे ना तो उससे आपको रिफ्रेश का बटन क्लिक करना है जो कि एक स्मार्ट आदमी करता है। तो आप लोग किसी के घर में जाओगे तो लैपटॉप आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले उसको रिफ्रेश कर लेना है, वरना अगर डायरेक्ट अगर आप लोग उसका डायरेक्ट सिस्टम पे कुछ भी ऐप्स खोलते हो तो वो आपको समझा कि कुछ गधा लड़का है। तो इसलिए बेवकूफ़ नहीं बनना है, हम लोग को स्मार्ट प्ले करना है। तो रिफ्रेश जो कि आप लोग राइट क्लिक करोगे, ये जो राइट यहाँ पर जो राइट दिया जाता है आपको किसी भी लैपटॉप में नहीं दिया रहता है, एकदम सेम रहेगा सब सब कुछ, ये जो आप देख रहे हो सब कुछ सेम रहेगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको राइट वाला बटन आपको की प्रेस करना है, वो आपको खुल जाएगा। तो जिस तरीके से ये जो सर्कल को देख रहे हो ये जो खुला है ओपन हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो देख ये जो थर्ड नंबर पर आपको रिफ्रेश का जो ऑप्शन मिल रहा है ना, उसे रिफ्रेश ऑप्शन को क्लिक करता है। उसको कब से आपको 3 से 4 बार मिनिमम करना है, मैक्सिमम आपको 8 से 10 बार का ज़्यादा करना ही मत, वरना ज़्यादा करोगे तो आपको लगेगा कि ये पागल है। उसके बाद अब आप लोगों को क्या नेक्स्ट हम लोगों को क्या सीखना है, नेक्स्ट सीखना है कि हम लोग को क्या लैपटॉप पे करना है। लैपटॉप पे हम लोग को बहुत सारे यूजेज आते हैं कि किसी को कॉपी करना रहता है, किसी को ये इधर से उधर ट्रांसफर करता है, कोई एडिटिंग करता है। तो एडिटिंग करने के लिए तो मैं एक पास बहुत सारा कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ। बेसिकली मैंने इस कोर्स में आपको यही बताया है बताऊँगा कि आपको क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अबाउट एवरी थिंग्स, सारी चीज़ों के मैं बारे में बता देता हूँ। तो लैपटॉप का सारी चीज़ के बारे में बताने से पहले पूरा लैपटॉप मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, तो इसे कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड के अंदर भी बहुत सारे थिंग्स होते हैं, आपको इसे इंटर बोलते हैं। इससे इंटर से क्या काम होता है कि अगर आप लोग किसी भी ऐप मतलब किसी भी फोल्डर पर जाके एक क्लिक करने के बाद अगर इंटर दबाते हो तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैक स्पेस यहाँ पे उसका क्या काम होता है, तो बैक स्पेस का काम है कि अगर आप लोग कोई भी फोल्डर ओपन करते हो और आप लोग एक स्टेप पीछे जाना चाहते हो, जस्ट लाइक आप लोग क्रोम स्टार्ट करते हो और आप लोग एक स्टेप पीछे जाना चाह रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, तो उसमें बैक स्पेस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो क्या करेगा, आपको एक स्टेप पीछे ले चला जाएगा। तो ये हो गया बैक स्टेप का। एस्केप का मतलब क्या होता है, आप लोग गलती से किसी चीज़ की गलत फाइल में घुस जाते हो ना, तो वैसे मैं एक गेम में घुस गया, यहाँ पर देख सकते हो ये गेम है, मैं किसी भी गेम में एंटर कर गया। अब वो गेम में मैं एंटर कर गया तो उसको मतलब उसमें एक ऑप्शन था कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है, मतलब कुछ अजीब सा मतलब लगा कि क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे आप लोग को एस्केप प्रेस करना है, उससे आपको क्या होगा कि आपको एक रास्ता खुल जाएगा कि हाँ अब मेरे को यहाँ से जाना समझ में आ रहा है कि क्या करना है आगे। ये हो गया एस्केप का, जो कि हम साइड ये कॉर्नर पर जो दिया है ना, हमेशा एस्केप बटन आपको कॉर्नर पर ही मिलता है। आपको हमेशा इसमें डिलीट का एक ऑप्शन मिल जाता है और पेज का इसमें बहुत सारे यहाँ पर लिख रहे थे, इस पे आप लोग यहाँ से वॉल्यूम को आप लोग कर सकते हो, जिस पे भी चोंगा टाइप का साइन बना रहेगा स्पीकर का टाइप का उस पे प्लस रहेगा तो उससे आप लोग वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो और बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप लोग वॉल्यूम को घटा सकते हो। उसके बाद उसके जस्ट बगल में आपको एक वॉल्यूम का एकदम साइलेंट का बटन हो, जिस तरह से आपके मोबाइल में जाता है ना बटन, उसी तरीके से आपको वॉल्यूम के मतलब चोंगे को, जैसे मैं किसी तरीके से कोई भी चीज़ को अगर आप लोग ओपन करते हो, जैसे मैं कोई भी आप लोग रास्ता में जाते हो तो आपको यहाँ नो हॉर्न प्लीज, तो उसी तरीके से यहाँ पे सिंबल बना रहेगा, तो आप लोग उसको प्रेस कर दोगे तो आपका जो सिस्टम है वो आपको हो जाएगा साइलेंट। बेसिकली आप लोग सिस्टम में ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, जो कि ये बटन से आप लोग क्लिक कर सकते हो इस पे, जैसे मैं ये चंद्रमा जैसे मैं सूरज की तरह आपको ये प्रकाशित नजर आएगा, उससे आप लोग लैपटॉप का ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो और जस्ट उसी के अगल या बगल में आपको लैपटॉप जो सूर्य का जो प्रकाश रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, उससे आप लोग घटा सकते हो। बेसिकली आप लोग क्लैप ये इससे क्या कर सकते हो, तो ये कैप्स लॉक है, इससे आप लोग अपने जो भी टाइप करोगे, ये जैसे मैं ABCD आप लोग टाइप करोगे तो आप लोग चाहते हो ना अपने नाम का मैं पहला लेटर बड़ा कैपिटल लेटर लिखो, उसके बाद वाला जो लेटर रहेगा उसमें और लेटर रहेगा, तो उसी काम है बेसिकली। अगर ये कीबोर्ड ऐसा लगता है, उसके बाद अगर आपको कैप्स लॉक क्लिक कर दिया तो यहाँ पे लाइट जल गया, तो उससे अगर आप ए क्लिक करोगे ना तो ए से आपको कैपिटल लेटर लिखाएगा, और उसके बाद कैप्स लॉक बंद कर दोगे तो उसके बाद भी ए लिखोगे तो वो स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। इसका मतलब आप लोग समझ गए क्या मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये विंडो, तो बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ ये विंडो 11 लैपटॉप है, तो आपको विंडो 7 में अलग अलग टचबार मिलेगा, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। आप लोग विंडो 11 सीख जाओगे सब कुछ सीख जाओगे, क्योंकि बेसिकली विंडो 11 जो एक्स बार का जो सबसे अच्छा ऐप जो लॉन्च हुआ है, ये काफ़ी अच्छा तरीका से लॉन्च किया गया है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल, कुछ शॉर्टकट की जो बताऊंगा वो आपको जब कुछ लैपटॉप के बारे में समझ में आ जाएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कुछ शॉर्टकट की। तो वैसे आप लोग पहले यहाँ पे सब कुछ समझ लो, इससे क्या होगा आप लोग गेम अगर आप लोग गेम मान लो खेलते हो तो ये एरो से आप लोग इस तरफ साइड में मतलब इस साइड जा सकते हो, ये वाला ऐसा राइट साइड लेफ्ट साइड जा सकते हैं, और ये से हम लोग नीचे जा सकते हैं, इससे हम लोग ऊपर जा सकते हैं, जस्ट लाइक आप लोग एक दौड़ने वाला गेम खेल रहे हो, ठीक है। तो आप लोग जब बंदा को दौड़ाना है जो आप हो वो ये वाला बटन दबाओगे ना तो वो बंदा दौड़ने लगेगा, तो ये एक यहाँ पे सबका है। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस बार है जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे चीज़ है, बहुत सारे गेम में भी ये स्पेस बार यूज़ होता है और बहुत सारे फोल्डर्स में भी आपको आगे पीछे या फिर कोई भी चीज़ को बंद करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन आपको उतना जानना नहीं है। आप लोग स्पेस बार का समझ लो कि सीधे हम लोग कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो उसके हम लोग को स्पेस जो मोबाइल में रहता है उसको यहाँ देने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने डिस्प्ले पे, जो कि आपको फुल डिस्प्ले रहेगा, और आपको समझाता हूँ कहानी क्या है भाई। इसे करते हैं लॉक। तो बेसिकली मैंने चार्ट पे लिख रखा कि आपको क्या क्या मेरे को समझाना है, तो मैं उसी को देखकर आपको मैं समझा दूंगा ताकि आप लोग एक कम से कम सीख जाओ कि लैपटॉप कैसे चलाना चाहिए।
अब मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में समझाने वाला हूँ। जैसे ये इसे हम लोग कहते हैं एरो, या फिर हम लोग इसे सर्कल भी कहते हैं। तो अब आप अपने सर्कल को लेकर घूमिए। आप लोग इस दुनिया में बहुत ही दुनिया ये खतरनाक वाली दुनिया जो आपको समझ क्या बोलूँ कम्युनिकेशन वाला दुनिया है, इस दुनिया में आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चीज़ से। तो सबसे पहले मैं किसी भी जो आपको ये डब्बा नजर आ रहा है इसे हम लोग फोल्डर बोलते हैं। इस फोल्डर को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर को ओपन करने के लिए हम लोग को दो बार टैप करना पड़ेगा। तो मैं टैप करने वाला हूँ दो बार। जैसे मैं इस चीज़ को मैं खोल ओपन करना है तो इसको हम लोग इस तरीके से दो बार दबाएंगे। दो बार दबाने का नियम भी होना चाहिए। देखिए इसे हम लोग यहाँ से कट करेंगे। दो बार जैसे मैं दबाने का एक नियम है कि आप लोग को ऐसे है ना, तो आपको सेम वे में सेम पोजिशन में आपको इस तरीके से दो बार क्लिक करना है तो ये खुल जाएगा अपने आप। कोई भी टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सब कुछ ईजी आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। उसके बाद ये सब तो आपको पढ़े लिखे लोग हैं तो आप लोग समझ सकते हो क्या क्या कर सकते हो। मेरा देख सकते हो यहाँ पे कुछ है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये ओपन करने के लिए मैं इसे, ये एक रिसाइकल बिन है लैपटॉप का, मैंने रिसाइकल बिन को ओपन किया है। लैपटॉप का रिसाइकल बिन बेसिकली होता क्या है कि आपको यहाँ से कोई भी चीज़ को आप लोग लैपटॉप में डिलीट करते हो ना, तो उस डिलीटेड चीज़ को आप लोग रिसाइकल बिन में ला के मतलब आके सेव करता है, उसके बाद यहाँ से आपको हटाना पड़ता है। तो ये एक लैपटॉप का बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया जो कि लैपटॉप हर एक लैपटॉप में होता है। उसके बाद हम लोग को लैपटॉप ओपन करने के लिए हम लोग को चाहिए मेन फोल्डर जहाँ से हम लोग को सब कुछ मिलने वाला है। तो वो रहा हमारा मेन फोल्डर कुछ इस तरीके से बड़ा था जिसको हम लोग कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर। क्या कहते हैं? फाइल एक्सप्लोरर। उस पर अब हम लोग डबल टिप करेंगे तो बेसिकली हम लोग को इस तरीके से कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो अब मैं आपको डिस्प्ले पे ले जाने वाला हूँ। यहाँ पे सर्कल का काम करता हूँ खत्म। तो अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरा फोल्डर खुल गया। ये एक विंडो 11 का फोल्डर है। तो आपको एक बेसिकली फोल्डर खोलने के लिए आपको विंडो डी पे आना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पे विंडो यहाँ पे जो लोकल सी डिस्क होता है ये समझो कि एक तरफ का यहाँ पे एक रैम मतलब एक स्टोरेज का यहाँ पे सिस्टम होता है जो कि लैपटॉप के सारे चीज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग विंडो लोकल विंडो सी में होता है जो कि जिस तरीके से आप लोग इस चीज़ को ओपन करते हो विंडो का सी। तो इसमें आपको बहुत सारे जो आपको मिलता है इस प्रोग्राम को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये आपको मेरा एक मोटिवेशन मतलब एक तरह से आपको गाइडेंस कर दिया, कभी भी इस चीज़ को छेड़छाड़ मत कीजिएगा। उसके बाद हम लोग कभी बढ़ते हैं विंडो ई में विंडो डी में। तो अब हम लोग बैक स्पेस का यूज़ करने वाले हैं। तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे बैक स्पेस दबाओगे तो ये बैक नहीं होने वाला। कि ऐसा क्यों? क्योंकि इसके आगे में ये पहला पोजीशन पे है। तो पहला पोजीशन पे कभी भी किसी चीज़ को ऑप्शन नहीं होने वाला, तो ये एक मैं आपको बता दिया। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर मैं इसको डबल टैप करके यहाँ पे फिर बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये पहुंच जाएगा। देख सकते हो ये यहाँ पहुंच गया। तो ये है बैक स्पेस का यूज। जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक फोल्डर पर पास किया फिर आगे इसके अंदर और घुस गया। तो अब हमको एक स्टेप पीछे जाना, तो हम लोग बैक स्पेस क्लिक करेंगे फिर दोबारा क्लिक करेंगे फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं कि आप लोग किसी भी चीज़ को, ये तो वीडियो है, जैसे मैं वीडियो का फोल्डर बना रहा, तो आप लोग उसको दो बार क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे चल जाएगा। देखो ये वीडियो आपको दो बार क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे देखो तो किस तरीके, हाय गाइस दिस इज द आर्यन ब्लॉग। तो मैं ब्लॉग पे आप ये ब्लॉग को देख रहे हो तो ये ब्लॉग को आप लोग समझने के लिए देखो यहाँ पे इस तरीके से आराम से चलता है। आप लोग इसे शॉर्टकट तरीके से मैं आपको देखिए यहाँ पे रोक के बताने वाला हूँ। स्पेस बार का यूजेस, यहाँ से एक बार आप स्पेस बार को यूज करोगे कोलकाता गया हूँ। देख सकते हो स्पेस बार का यूज यहाँ पे भी आ रहा है। आप लोग किसी भी वीडियो को रोक सकते हो आराम से बेझिझक। अब मैं आपको ये चीज़ मैंने खोल दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं पहुँच जाऊँ अपने होम पे यानी कि विंडो पे। तो उसके लिए हम लोग थ्री अंगुली का यूज़ करने वाले हैं। थ्री अंगुली को लेकर हम लोग कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। देखिए डायरेक्ट हम लोग टास्क बार पे पहुँच गए। अब इससे हम लोग सेलेक्ट करेंगे हमको वीडियो देखना है या नहीं। जिस तरीके से आप लोग मोबाइल में आप लोग किसी चीज़ को जब कुछ जब ओपन कर लेते हो फोल्डर, उसी तरीके से जब आप लोग मोबाइल में जब फोल्डर ओपन कर लेते हो तो आपको यहाँ पे मतलब साइड बाय साइड को हटाने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप लोग ऐसे ऐसे करके हटा देते हो लेकिन यहाँ पे इसे ऐसे हटाने का ऑप्शन मिलता है जिसे यहाँ पे आपको कट कर सकते हो। तो मैं इसे फिर से लाने वाला वापस इसे थ्री बटन को ऐसे करके ऐसे करने के बाद उसके बाद देखिए एक्सप्लोर किया हूं और उसको डब्ल्यू भी सही है। तो ये हो गया। अब बेसिकली आप लोग यहाँ से वॉल्यूम आप लोग कर सकते हो, ये ऐसे कर सकते हो, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा इसका वॉइस के भी हटा सकते हो, यहाँ से वॉइस ला सकते हो। तो बेसिकली यही यहाँ पे काम था। इसे आप लोग बैक स्पेस दबा के फिर आपके खाली वीडियो का सेक्शन में घुस सकते हो। तो यही एक काम है। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ कॉपी पेस्ट। तो जैसे मैं आपको जान लो सब टूल्स के बारे में आपको सब मैं प्रैक्टिकल के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये एक चीज़ है मैं समझा देता हूँ। ये समझो कि ये एक फोल्डर है, ठीक है। अब इसको हमको कॉपी करना है तो बेसिकली इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसका एक शॉर्टकट की है कि आप लोग कंट्रोल प्लस सी प्रेस करो, कंट्रोल प्लस सी करो तो ये कॉपी हो जाएगा। लेकिन आपको कंट्रोल प्लस सी आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग राइट इस पर जाकर सर्कल पर एक टैप करके क्लिक करके आप लोग राइट क्लिक करो तो आपको यहाँ पे देखो कॉपी का ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा। जैसे देखो कॉपी एज अ पाथ या फिर आपको ये जो चुकी है ना कंट्रोल प्लस कॉपी, ये कॉपी का सिंबल दिया गया तो आप लोग इस पर भी क्लिक करके कॉपी कर लेते हो। अब बात यह आती है कि आप लोग पेस्ट कहाँ करना है। तो मान लो चलो हमको कहीं यहाँ पे लोकल समझो कि मूवी में हमको पेस्ट करना है जिसमें इस जगह हमको पेस्ट करना है तो हम लोग डायरेक्ट पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट प्रेस हो जाएगा मतलब पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जब आप राइट क्लिक करोगे सर्कल का उसके बाद आपको खुद ब खुद यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग इस पर जैसे क्लिक करोगे देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये पेस्ट स्केल आ गया। तो बेसिकली हमें जाना कि कॉपी पेस्ट कैसे होता है।